राष्ट्र किसान मजदूर महासंघ के जिला अध्यक्ष गगन सिंह पटेल के नेतृत्व में मंडी प्रांगण में किसानों की ज्वलन समस्याओं को लेकर बैठक की गई। इसमें जिले में मूंग तुलाई व्यवस्था बड़ी धीमी गति से चल रही। तुलाई का समय 90 दिन का है, परंतु 35 दिन गुजर जाने के बाद भी मात्र 20% फसल तुल पाई है। NH-59 निर्माण अंतर्गत हुए भू अर्जन के मुआवजा वितरण में नियमावर से खाते गाँव के बीच भारी धांधली हो रही। कृषि सत्र 2018-19 के प्याज व सोयाबीन फसल के भावांतर की राशि अभी तक किसानों को नहीं मिली। विगत वर्ष 2020 की खरीफ फसल जिले में पूर्ण नष्ट होकर जिले को आपदा ग्रस्त घोषित कर 6% नुकसानी दर्ज हुई थी। इस अंतर्गत राहत राशि तीसरी किस्त एवं बीमा राशि अभी तक किसानों को प्राप्त न होना भारी विसंगति। माइक्रो वाटर लिंक परियोजना अंतर्गत हाटपिपरे सोनकर स्टोन खुर्द एवं देवास चारों तहसील के संपूर्ण कृषक ग्रामों को इसमें शामिल किया गया। लिफ्ट इरिगेशन परियोजना में सतवास तहसील को वंचित रखा गया। यह भारी पक्षपात है, जबकि सतवास तहसील प्रथम अधिकार रखती। 2019 की गेहूँ फसल का ₹160 बोनस भी अभी तक नहीं मिला। इन सभी समस्याओं को लेकर विशेष चर्चा की। तत्पश्चात पदाधिकारी ग्राम क्षेत्र की विभिन्न समस्याओं को लेकर अधीक्षण यंत्री अनिल नेगी ने मिले उन्होंने अवगत कराया। इसके पश्चात कलेक्टर कार्यालय पहुंचकर नारेबाजी करते हुए जिला अध्यक्ष को ज्ञापन सौंपा। इस अवसर पर माला प्रांत अध्यक्ष लाल सिंह बागवान, केराज चौधरी, गंभीर मल पटेल, राजन नहा, जिला मीडिया प्रभारी संदीप प्रजापति, रघुनाथ सिंह पटेल, राम सिंह पटेल, गोपाल मकवाना, संतोष जाट, सलीम भाई शेख, मूलचंद जाट, मांगीलाल जाट एवं कई किसान उपस्थित थे। देखिए, ये जो शासन प्रशासन है इस पर पूरा भ्रष्टाचार हो रहा है। और आज जो दुलवा हमारे देवास जिले में जो क्षेत्र है दुलवा ग्राम करके, वहाँ के किसान भी यहाँ पर आए हुए हैं और उनके साथ में भारी भ्रष्टाचार हुआ है। ना तो गवर्नमेंट की गाइडलाइन का पालन हुआ है और ना ही उनको जो नोटिस आया था, अवार्ड दिया था सरकार ने, उन नोटिस के माध्यम से जितना पैसा उन्होंने निर्धारित करा था वो भी पैसा उनको नहीं मिल रहा है। तो इसमें इस विषय को लेकर हमारे किसान बंधु और वहाँ के जो पीड़ित लोग हैं वो सभी आए हुए हैं और अभी कलेक्टर साहब से मिलना है और कलेक्टर साहब से चर्चा करके और कोई भी इस निष्कर्ष पर पहुँचेंगे। इसमें जो अभी बैठक रखी है इसमें महत्वपूर्ण बिंदुओं पे ही चर्चा होना है और जो अभी मुआवजा राशि को लेके विसंगित किया है और इसमें भ्रष्टाचार हो रहा, उन किसानों के साथ में राष्ट्रीय किसान मजदूर महासंघ पूरी ताकत से लड़ेगा और न्याय दिला के रहेगा। इसके अलावा प्याज भावांतर योजना जो थी 17-18 उसमें का पैसा 22 जिलों में अलाटमेंट हुआ था। शिवराज सिंह जी मुख्यमंत्री थे, इन्होंने 22 जिलों में प्याज भावांतर राशि का जिलों का अलाटमेंट किया था, उसमें से 6 जिलों को अभी तक प्याज भावांतर दिया नहीं। ये भी बहुत बड़ी राशि है और किसान दर दर ठोकरे खा रहा है। कई बार हमने कलेक्टर को ज्ञापन में भी लिख के दिया है लेकिन नहीं माने। दूसरा जो बीमा 2020 का सोयाबीन पूरी तरह नष्ट हो गई थी, उस बीमे को लेकर भी आज कलेक्टर साहब से चर्चा होगी और मुआवजा राशि, ये हमारे और एक मूंग तुलाई में भी जो विसंगति आ रही है, अभी तक 15-20% ही तुलाई हो पाई है लेकिन उन्होंने एक टाइम पीरियड सीमा बांध रखी है, तो मूंग तुलाई का भी विषय पढ़ा है। 4-5 विषयों को लेके आज कलेक्टर साहब से चर्चा होगी। अगर संतोषजनक हल नहीं निकलता है तो फिर आने वाले समय में देवास जिले को, देवास शहर को बंधक बनाया जाएगा, बड़ा आंदोलन होगा, उसकी जवाबदारी पूरी की पूरी CM की रहेगी और कलेक्टर की। इस मीटिंग में आए हैं, इसमें राष्ट्रीय राजमार्ग 59A पे बहुत बड़ी विसंगतियों के साथ इस राष्ट्रीय राजमार्ग को बनाया जा रहा है। यहाँ जितने भी अवार्ड दिए गए हैं या जितने भी अवार्ड के नोटिस दिए गए हैं सब में बहुत बड़ी बड़ी गड़बड़ियाँ हैं। सबसे बड़ी गड़बड़ी इसमें आपको ये बताऊँ कि गाइडलाइन का कहीं से कहीं तक पालन नहीं किया गया है और जब से अवार्ड पारित हुआ है तब से हम किसान मजदूर भाई भटक रहे हैं, न्याय मिलने का कहीं भी हमें रास्ता नज़र नहीं आ रहा है। और अभी विगत 20 दिनों से हम एक आंदोलन को सुचारू रूप से जारी रख रहे हैं और उसी आंदोलन के माध्यम से आज हम किसान राष्ट्रीय किसान मजदूर संघ की इस बैठक में आमंत्रित हुए हैं। इसके बाद क्या जाएंगे? देखिए, इसके बाद माननीय कलेक्टर साहब को ज्ञापन देना है। इसके बाद आपकी मांग पूरी नहीं होगी आगे क्या? अगर इसके बाद भी हमारी मांग पूरी नहीं होती है तो हमारी आगे की रणनीति पूरे राष्ट्रीय राजमार्ग को लेके एक जन चेतना रैली है और उस जन चेतना रैली के माध्यम से जहाँ तक राष्ट्रीय राजमार्ग जा रहा है सभी को सचेत करेंगे। इसके बाद भी अगर हमारी मांगें पूरी नहीं होती है तो पैदल चल के माननीय मुख्यमंत्री जी को हम ज्ञापन देंगे और इसके बाद भी अगर हमारी मांगें पूरी नहीं होती है तो माँ नर्मदा की शरण में जाके हम जल सत्याग्रह करेंगे।
देवास से कैमरामैन अभिषेक पांडे के साथ राजेश पाल की रिपोर्ट।